वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनलैंड फिशरीज के अंदर पॉन्ड एंड रिजर्वोयर फिशरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले के वीडियोस में हम लेक फिशरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉन्ड फिशरीज की अगर हम बात करें तालाब मत्स्य पालन की, तो पॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स क्या होंगे यहाँ पे, पॉन्ड फिशरीज के अंदर जो पॉन्ड्स होते हैं तो वो एक छोटा मानव निर्मित जल निकाय, मैन मेड वाटर बॉडी होती है, जो कि तटबंध बनाने या खोदने से बनता है। ठीक है, या तो ये कोई तटबंध बनाया है उससे बनेगा, या तो इसको खोदा जाता है उससे ये एक स्मॉल वाटर बॉडी बन जाती है, जिसको पॉन्ड बोला जाता है। अगर एक पॉन्ड, ये पॉन्ड जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक जो तालाब होगा उसके अंदर पानी जो है वो मौसमी होता है, यानी सीजनल होता है। जैसे कि रेन हुई, बारिश आई, तो उस टाइम पे उसके अंदर पानी भर गया, अदरवाइज उसके अंदर सूखा आ गया, तो वो कैसा होता है, सीजनल होता है। इसके अलावा पॉन्ड्स जो है ये छोटे जल निकाय होते हैं, जो कि पहले झीलों के अवशेष होते हैं, रिमेनेंट होते हैं, या तो ये छोटे उथले जल निकाय ने शैलो वाटर बॉडीज के बने हुए होते हैं, जो कि झील के रूप में विकसित नहीं हुए हैं कि इन फ्यूचर इससे झील बन सकती है, या तो ये जल निकाय जिनका निर्माण या फिर उत्खनन यानी एक्सकेविटेड इनको किया गया है। तो पॉन्ड जो है या तो ये रिमेनेंट हो सकते हैं, या तो ये विकसित अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, या तो एक झील का अवशेष हो सकते हैं कि पहले यहाँ पे झील थी, उसका सिर्फ ये अवशेष बच गया है, या तो ये अभी विकसित नहीं हुए हैं, या तो इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा पॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, या तो ये पेरिनियल बारहमासी पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, या तो फिर टेम्पररी पॉन्ड्स यानी कि अस्थायी तालाब होते हैं। तो जो पेरिनियल पॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर पानी हमेशा मौजूद रहता है, एंड जो टेम्पररी पॉन्ड्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, टेम्पररी पानी रहेगा, मौसमी पानी रहेगा, सीजनली वाटर यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पे जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं उनके अंदर कुछ मछलियाँ जो है उनका पालन किया जाता है, कल्चर की जाती है, तो इनके अंदर स्पीसीज जैसे कि कटला कटला, लेबियो रोहिता, लेबियो कालावासु, लेबियो फिम्ब्रियटस, लेबियो कोटियस, लेबियो गोनियस, सिरिनस मृगाला, सिरिनस रेबा, सिरिनस सिरोसा, ऑस्टियोचिलस थोम्बेसी, बार्बस काराटिकस, बार्बस डोबियस, सिप्रिनस कार्पियो, केटेनो फेरिगोडोन इडेला। इसके अलावा यहाँ पे यूट्रोप्लस सुरेंटेना होती है, एनावास टेस्टिडनस, वेलेगो अट्टू, मिस्टिस सिंगाला, मिस्ट चना स्ट्रेटस, हेट्रोपनेस्टिस फोसिलिस। तो ये सब स्पीसीज पाई जाती है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर, और इनको कल्चर यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिजर्वोयर फिशरीज। रिजर्वोयर्स क्या होते हैं, जब किसी जो भी हमने रिवर सिस्टम्स की बात की थी, अलग अलग रिवर सिस्टम्स की बात की थी, तो हर एक रिवर सिस्टम के अंदर जो भी डैम्स बनते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रिजर्वोयर्स बनते हैं। रिजर्वोयर्स बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उस वाटर स्टोरेज का अलग अलग टाइप से यूज भी किया जाता है। तो यहाँ पे रिजर्वोयर फिशरीज की अगर हम बात करें तो रिजर्वोयर्स क्या होते हैं, जलाशय बड़े जल निकाय होते हैं, बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, जो कि या तो सार्वजनिक आपूर्ति यानी कि जो पब्लिक सप्लाई होती है जल भंडारण की, वाटर स्टोरेज की, उसके लिए यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, जल विद्युत शक्ति के लिए यूज किया जाता है, या तो बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका यूज किया जाता है, एंड जो मत्स्य पालन है, फिशरीज का जो डेवलपमेंट है उसके लिए इनको यूज किया जाता है। तो नदियों पे जो डैम बनते हैं, बांध बनते हैं, उनके निर्माण में ये रिजर्वोयर्स, उनके पास ये रिजर्वोयर्स बन जाते हैं। अब ये रिजर्वोयर्स की हमने बात की थी अलग अलग रिवर सिस्टम्स की, ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने रिवर सिस्टम्स की बात की थी, तो रिवर सिस्टम्स के ऊपर जो भी डैम बनेगा तो वहाँ पे रिजर्वोयर बनेंगे। तो अलग अलग रिवर सिस्टम्स के अलग अलग टाइप के रिजर्वोयर्स होते हैं, जैसे सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी प्रणाली के रिजर्वोयर्स या फिर जलाशय। तो इसके जलाशय जो है ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बनते हैं, ठीक है, विभिन्न जलाशय इसके पाए जाते हैं। ऊपरी क्षेत्रों के जलाशयों में, अब जो एक रिजर्वोयर, एक जलाशय की बात की है, उसके ऊपर के क्षेत्र में, फिर मिडल की, एंड फिर इसके नीचे के क्षेत्र में अलग अलग टाइप की फिश स्पीसीज पाई जाती है। तो जो ऊपरी क्षेत्र है इन जलाशयों के, इसके अंदर महसीर की तीन प्रजातियां जैसे कि टोर पुटीटोरा, टोर मोसल एंड टोर पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर कतली, एक्रेसोचेलियस, हेक्सागोनिलेप्सिस पाया जाता है, स्नो ट्राउट,
सीजोथोरेक्स प्लेजियोस्टोमस पाया जाता है यहाँ पे, मध्यम कार्प पाई जाती है, जैसे कि लेबियो, ठीक है, लेबियो डेरो पाया जाता है, लेबियो पेंगासिया पाए जाते हैं। तो ये सब स्पीसीज जो है ये पाई जाती है ऊपरी क्षेत्र, जलाशय के अपर रीचेस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है मध्य, ठीक है, मध्य और निचली, यानी मध्य और ये जो निचली ये वाले जो एरियाज है किसी भी जलाशय के, उसके अंदर भारतीय प्रमुख कार्प, कटला, रोहू, मृगल, कालाबासु, ये सब होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा और भी कार्प होते हैं, जैसे कि लेबियोगोनियस, लेबियोबाटा, लेबिस बोगा, लेबिस बोगाट, पुंटे सराना, ये सब स्पीसीज भी इन मध्य और निचली जो रीचेस है, जो पहुंच है जलाशयों की, वहां पे ये पाई जाती है स्पीसीज। प्रमुख कैटफिशेज जैसे कि विलेगो अटू, सिलोनिया, सिलोंडिया, पंगेसियस, पंगेसियस राइटा, राइटा, मिस्टिस इओर एंड मिस्टिस सिंगाला भी यहाँ पे पाई जाती है। तो ये रिजर्वोयर हो गई यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम की। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिजर्वोयर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी प्रणाली के जलाशय। तो इसके अंदर प्रमुख जलाशय, महत्वपूर्ण जलाशय गोविंद सागर है सिंधु प्रणाली का, जिसके अंदर स्पीसीज पाई जाती है टोरपुटी टोरा एंड लेबियोडियो। यहाँ पे ये प्रमुख प्रजातियां, मेन डोमिनेंट स्पीसीज पाई जाती है, अन्य प्रजातियां भी पाई जाती है, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे पाई जाती है स्काइजोथोरेक्स, प्लाजियोस्टोमिस पाई जाती है यहाँ पे, क्रोसोचेलिस पाई जाती है, लेटियस लेटियस, ग्रागोटेला पाई जाती है, मिस्टिस ब्लिकेरी एंड इसके अलावा मैस्ट्रोकैम्बिलस आर्मेटस पाया जाता है, सिप्रिनस स्कॉर्पियो, मिस्टिस सिंगाला, लेबियोबाटा, ये सब स्पीसीज अन्य प्रजातियां यहाँ पे इस सिंधु नदी प्रणाली के जलाशयों के अंदर पाई जाती है। लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, टोरपुटी टोरा एंड लेबियोडियो यहाँ पे मुख्य प्रजातियां या फिर डोमिनेंट स्पीसीज होती है। थर्ड आता है यहाँ पे पूर्वी तट नदी प्रणाली के जलाशय, ईस्ट कोस्ट जो रिवर सिस्टम है उसके जलाशय की अगर हम बात करें तो इसके अलग अलग नदियों के अलग अलग जलाशय होंगे, जैसे कि महानदी पर बने हीराकुंड बांध के मछली जीवों में गंगा की कार्प हो गई, ठीक है, गैंगेटिक कार्प्स हो गई, कैटफिश हो गई, जैसे कि टोर मोसला हो गई, लेबियो फ्यूमरेटस, राइट्रा क्रिसिया आदि, ये सब शामिल होते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे महानदी के हीराकुंड बांध के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आता है कृष्णा नदी प्रणाली के जलाशय, जैसे कि तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, निजाम सागर। तो इनके अंदर पाई जाती है लेबियो फिम्ब्रियाटस, लेबियो कालाबासु, लेबियो पोर्सेलस, लेबियो बाटा, लेबियो बोगा, पुंटियस कोलास, पुंटियस पुलेचेलास, पुंटियस कुर्मुका, पुंटियस सरना, इसके अलावा टोर खुदरी, टोर मुसुला, सिरिनस रेबा, टोल फ्लिंगर, ऑस्टियोब्रामा विगोसरी, ऑस्टियोब्लामा बेलांगेरी, वोलगो अटू, मिस्टिस इओर, मिस्टिस सिंगाला, मिस्टिस पंकटाटस रीटा, पेवी में टाटा एंड बगारिस बगारिस। तो ये सब स्पीसीज पाई जाती हैं कृष्णा नदी प्रणाली के जलाशयों के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ताप्ती नदी के जलाशय, जैसे कि कृष्णा सागर, भवानी सागर, मेटूर एंड पुंडी। तो ये जलाशय जो है ताप्ती नदी के हैं, तो इनके अंदर पाई जाती है पुंटियस डबियस, पुंटियस काराटिकस, पुंटियस सरना, सिरिनस कोर्टियोस, सिरिनस रेबा, लेबियो पोंटियस, लेबियो कालाबासु, लेबियो फिम्ब्रियाटस, लेबियो पोटेल, लेबियो पार्सलस, बिगारिस बिगारिस, विलेगो ऑटो एंड मिस्टिस पंक्टेटम। तो ये सब स्पीसीज पाई जाती है ताप्ती नदी के जलाशयों या फिर रिजर्वोयर्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है पश्चिमी तट नदी प्रणाली के जलाशय है, वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के जलाशय, जिसके अंदर नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है प्रमुख जलाशय इनके होते हैं। तो इनके अंदर पाई जाती है स्पीसीज जैसे कि टोर 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 खुदरी, टोर मुसुला, लेबियो फिम्ब्रियाटस, लेबियो कालाबासु, लेबियो गोनियस, लेबियो रोहिता, सिरिनस मृगाला, कटला कटला, पुंटे सराना, मिस्टिस सिंगाला, मिस्टिस इओर, विलेगो अटू, बगैरियस बगैरियस। इसके अलावा यहाँ पे पाई जाती है क्लिपिसोमा गरुआ, एंड्रीटा पविमांटेट, प्यूंटियस थोमसी, प्यूंटियस जर्डोनी, प्यूंटियस फिलामेंटसस, प्यूंटियस कर्मुका, ओम्पोक मालाबारिकस। तो ये सब स्पीसीज पाई जाती है पश्चिमी तट नदी प्रणाली के रिजर्वोयर्स के अंदर, जहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदी के रिजर्वोयर पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के रिजर्वोयर्स की फिश स्पीसीज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब कुछ जो टाइप के रिजर्वोयर्स होते हैं वहाँ पे कुछ स्पीसीज डोमिनेट करती हैं, कुछ स्पीसीज कई बार कम हो जाती है, जैसे कि एक
यहाँ पे रिजर्वोयर है यूपी के अंदर, ठीक है, जिसको बोला जाता है रिहंद। जो ये रिहंद रिजर्वोयर है, रिहंद जलाशय है, इसके अंदर कटला एंड रोहू की स्पीसीज पाई जाती है। एंड कई बार क्या होता है, कटला एंड रोहू क्या करती है, आपस में हाइब्रिड करके, आपस में ब्रीडिंग करके एक कटला रोहू हाइब्रिड हाइब्रिड फॉर्म कर देती है, जो कि इस जगह पे यानी कि इसी रिजर्वोयर के अंदर बहुत अच्छे से अडेप्टेड होती है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली है रिजर्वोयर फिशरीज की एंड पोंड फिशरीज की, एंड लेक्स एंड रिवराइन फिशरीज की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनलैंड फिशरीज के अंदर अब बच गई है कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में, एंड अपकमिंग वीडियोस में हम ब्रैकिश वाटर फिशरीज, उनके कल्चर कैसे किए जाते हैं, इसके अलावा पर्ल कल्चर कैसे किया जाता है, ओयस्टर कौन कौन से होते हैं, एडिबल ओयस्टर्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।